नमस्कार दोस्तों। तो इसराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक किया है और सबसे बड़ी बात यह अटैक जो है उसको बहुत बड़ा माना जा रहा है बिकॉज इस अटैक में लेबनान के एक टाउन है जो नबातिया की सिटी है, नबातिया की सिटी के जो मेयर हैं उनकी जान चली गई है, ऐसा लेबनान की मिनिस्ट्री का कहना है। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके ये कहा है। वहाँ की जो गवर्नर हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि लेबनान की जो सिटी है नबातिया उसके जो मेयर थे उनकी इसमें जान चली गई है बिकॉज इसराइल ने कई सारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अटैक किया, जिसमें एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी, म्यूनिसिपैलिटी की बिल्डिंग थी, वो उसके ऊपर भी अटैक किया। वहां पर मेयर जो थे वहां पर मौजूद थे और उनकी इसमें जान चली गई। अच्छा, अभी आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि इसराइल और फ्रांस के बीच में भी बहुत गहमा गहमी हो गई। फ्रांस में मैक्रॉन का एक स्टेटमेंट आता है और मैक्रॉन कहते हैं कि अगर ये मसैकर, उन्होंने बाकायदे मसैकर टर्म यूज किया, अगर नहीं रुकता है लेबनान के अंदर तो फिर इसराइल इसका पूरा जिम्मेदार होगा और इसराइल को ये सब छोड़ करके अब सीज फायर अग्रीमेंट साइन कर लेना चाहिए बिकॉज जो उनका पर्पस था वो ऑलमोस्ट फुलफिल हो चुका है और अब उनका कोई पर्पस नहीं है। जो वो अटैक कर रहा है वो एक तरीके से मसाकर कर रहा है लेबनान के ऊपर और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए बिकॉज बहुत सारे सिविलियंस उसके ऊपर से अफेक्ट हो रहे हैं। और अगर ऐसा इसराइल करता रहा तो आप ऐसा मान करके चलिए कि फ्रांस का सपोर्ट इसमें इसराइल को बिल्कुल भी नहीं है। अब बेंजामिन नेतन्याहू का ऑफिशियल स्टेटमेंट उनके इस पर आ चुका है, उनको रिटेलिएट करते हुए एक तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और जब इजरायली सिटीजन्स को मारा गया था तब ये सारी कंट्रीज़ कहाँ थी और तब ये सारी कंट्रीज़ ने क्यों इसराइल का सपोर्ट नहीं किया था और इसराइल जो है ये पूरा जो काम कर रहा है वो एक तरीके से इनको वाइप ऑफ करने के लिए कर रहा है और जब तक ये पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म नहीं हो जाते हैं तब तक इसराइल बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है, वो अटैक करता रहेगा। तो ये फ्रांस और इसराइल के बीच की जो गहमा गहमी वो आपको दिख रहा है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि यूएस ने भी इसराइल के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश करी थी जब इसराइल ने यूएन के ऑफिशियल्स को टारगेट करना शुरू कर दिया था लेबनान में। यूएन की जो टीम UNIFIL यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, जो कि UNIFIL शॉर्ट फॉर्म है उसका, जो काम करती है लेबनान के अंदर में लंबे समय से, उनके कुछ ऑफिशियल्स भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। बताया गया कि दो ऑफिशियल्स की उसमें जान भी चली गई थी, उसको लेकर के भी इसराइल के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ा था यूएस का। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, इसी बीच में इसराइल ने एक बहुत बड़ा अटैक किया लेबनान में जिसमें लेबनान की एक सदर्न सिटी के मेयर की डेथ हो चुकी है और यह सब पहली बार इस पूरी घटनाक्रम में हुआ है। अगर आप जब से सितंबर से अटैक कर रहा है इसराइल तब से देखोगे शायद कोई इतना बड़ा गवर्नमेंट ऑफिशियल अभी तक इसमें नहीं मारा गया था। सब जो बड़े बड़े लोग मारे गए थे वो सारे हिजबुल्ला के ऑपरेटिव्स ही थे या वो नेता थे जो हिजबुल्ला के लिए काम करते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफिशियल डायरेक्ट इसमें उनको मारा गया है। तो इस पर लेबनान की गवर्नमेंट कैसे रिटेलिएट करेगी वो एक बहुत बड़ा सवाल है और ये पूरा जो लड़ाई है वो एक नया दिशा ले चुकी है इस अटैक के बाद में। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अन अकेडमी टीम की तरफ से कि अन अकेडमी ने अपना एक नया चैनल लॉन्च किया, इसका नाम है UPSC नीव बाय अन अकेडमी। इस चैनल पर जैसे हम वर्ल्ड अफेयर्स पर इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करते हैं एनालिसिस के साथ में, वैसे ही वर्ल्ड अफेयर्स के अलावा जो इंटरनल अफेयर्स हैं इंडिया के उनको हम कवर किया करेंगे यूपीएससी नीव बाय अन अकेडमी चैनल पर। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया और ये जो तामझाम आपको दिख रहा है सब किताब विताब ये मैं वीडियो के लास्ट में समझा दूंगा कि और हम क्या क्या इनिशिएटिव्स उस चैनल पर लाने वाले हैं। अब वीडियो पर वापस आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सदर्न सिटी है जो लेबनान की जिसका नाम है नबातिया, वहां के गवर्नर के ऊपर, वहाँ के गवर्नर जो उसमें मारे जा चुके हैं, उनके साथ चार और लोग जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही थे वो भी इसमें मारे जा चुके हैं। टोटल जो डेथ टोल है वो 5 का है। बताया गया कि वहाँ पर एक म्यूनसिपैलिटी की बिल्डिंग थी जहाँ पर स्ट्राइक किया और उस म्यूनसिपैलिटी की बिल्डिंग में उस समय पर कई 11 स्ट्राइक्स किए गए और उसमें से एक जो एयर स्ट्राइक थी वो उस म्यूनसिपैलिटी की बिल्डिंग में लगी। उसके बाद क्या हुआ कि अगल बगल के भी जो बिल्डिंग्स थी उसमें वो आग फैलती चली गई और वो आग पूरी बिल्डिंग्स में फैल गई, जहां पर एकदम रिंग बेल्ट ऑफ फायर जैसा कुछ सिस्टम दिखाई दिया, वो आग फैलती चली गई और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं और अभी तक जो डेथ टोल है बताया जा रहा है कि वो 5 है, जिसमें से एक नबातिया के मेयर भी ही इज़ ऑल्सो असैसिनेटेड देयर। और इसके अलावा इसराइल ने जो है एक पूरा इवैक्यूएशन का वहां पर नोटिस जारी करी थी कि इस एरिया में एयर स्ट्राइक करने वाले इस एरिए को खाली कर दिया जाए, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वहां पर म्यूनसिपैलिटी की बिल्डिंग थी, एक पास में ही
बगल में ही हॉस्पिटल था, उसके अलावा एक थोड़ी दूर पर स्कूल था। अब ये सब चीज़ें कैसे खाली की जाएंगी, यहाँ पर गवर्नमेंट अपना मतलब काम कर रही है, उसको कैसे खाली किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो लेबनान की गवर्नमेंट बार बार इसराइल के सामने यहाँ पर रख रही है। अब इसमें एक और चीज़ है कि देखो, हिजबुल्ला को पूरी तरीके से इसराइल ने ख़त्म कर दिया है, और बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि अब हमारा टारगेट वो है जो लोग हिजबुल्ला को पीछे से सपोर्ट करते हैं उनकी कंट्री में। तो जैसे लेबनान में एक बहुत बड़ी पार्टी, इसका नाम है अमाल पार्टी, इनको स्ट्राइक करने के लिए नबातीय में अटैक किया है इस बार इसराइल ने। इसराइल के जो पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने इस चीज़ को साफ किया है कि हमने अमाल के कई सारे टारगेट्स को इसमें किया है। अब अमाल पार्टी कौन है? देखो, एक अमाल मूवमेंट शुरू हुआ था लेबनान में 1974 में, और ये शिया मुस्लिम्स के लिए एक मूवमेंट था कि शिया मुस्लिम्स को दबाया जाता है लेबनान में। इस चीज़ को लेकर के एक मूवमेंट शुरू हुआ था, कई सारे इससे बड़े बड़े नेता भी खड़े हुए थे, और फिर धीरे धीरे ये मूवमेंट जो जा करके 1979 में जब ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ तो इस मूवमेंट को और ताकत मिली और शिया मुस्लिम्स को और ताकत मिली, और उसके बाद ये मूवमेंट जो है, ये छोटी सी मिलिशिया था, ये मिलिशिया बहुत सालों तक लड़ती है, बाद में जा करके ये एक पॉलिटिकल पार्टी में टर्न हो जाती है। तो पॉलिटिकल पार्टी का नाम इन्होंने अमाल मूवमेंट रख लिया था। वो पॉलिटिकल पार्टी आज की डेट में लेबनान में 14 सीटें होल्ड करती है, मतलब बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हिजबुल्ला से भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। जो हिजबुल्ला का पॉलिटिकल विंग है वो आज की डेट में 13 सीट होल्ड करता है लेबनान में। तो हिजबुल्ला और ये अमाल दोनों का कोलिशन है, और दोनों का कोलिशन मिला करके अकेले 27 सीट यहाँ पर होल्ड करता है, और इसीलिए जो लेबनान के अंदर की सरकार है उसमें हिजबुल्ला का इतना ज़्यादा से है, बिकॉज सीधा सीधा 27 सीट वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लेबनान की सरकार बनाने में। मतलब कि कौन सी सरकार बनेगी इसका बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग जो है वो हिजबुल्ला और अमाल मूवमेंट की सीट से होगा। तो इसी वजह से इनको जितना पॉलिटिकल सपोर्ट है, जो गवर्नमेंट का और जो पुलिस का, वहाँ के लोकल आर्मी का, जो भी इनको पॉलिटिकल सपोर्ट है हिजबुल्ला को, वो एक्चुअल में जो पावर आ रही है वो अमाल मूवमेंट की पार्टी से आ रही है। इसीलिए इसराइल ने इनको टारगेट करना वहाँ पर शुरू कर दिया है, और इनके हाइडआउट्स को टारगेट करने के लिए इसराइल ने वहाँ पर 11 स्ट्राइक्स करी, और उसी दौरान एक स्ट्राइक वहाँ पर जो म्यूनिसिपैलिटी का सेंटर था, जो म्यूनिसिपैलिटी की बिल्डिंग थी, उस पर हुआ। इसकी जानकारी खुद जो नबातीय की गवर्नर हैं उन्होंने इसकी जानकारी दी कि नबातीय के मेयर अब नहीं रहे हैं एंड वो शहीद हो चुके हैं इस पूरे अटैक में। अब यहाँ पर दो क्लेम्स हैं, एक टाइम्स ऑफ इसराइल का आर्टिकल छपा है, टाइम्स ऑफ इसराइल ने क्लेम किया है कि जो मेयर थे ही वॉज द सपोर्टर ऑफ द अमाल मूवमेंट एंड ही वॉज वर्किंग फॉर द हिजबुल्ला, ही वॉज एन ऑपरेटिव ऑफ हिजबुल्ला, तमाम उसमें क्लेम्स हैं। लेकिन यहाँ पर गवर्नर इन सारे क्लेम्स को झुठलाते हुए कहा है कि जो मेयर जिनकी डेथ हुई है उनका नाम है अहमद कहील, और अहमद कहील कोई हिजबुल्ला उबुल्ला के ऑपरेटिव नहीं थे, ही वॉज अ वेरी नोन मैन, वेरी रिनाउंड पर्सन, और वो वहाँ पर बल्कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट की एक मीटिंग ले रहे थे उस बिल्डिंग के अंदर में, म्यूनसिपैलिटी की जो बिल्डिंग थी, और उनके साथ वहाँ पर 4-5 लोग और मौजूद थे। क्राइसिस मैनेजमेंट की बिल्डिंग की मीटिंग क्यों? क्योंकि लेबनान में लगातार एयर स्ट्राइक्स की वजह से डेब्री फैला हुआ है पूरे शहरों में, कई सारे शहर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, तो वहाँ पर उस डेब्री को हटाने और पूरी हॉस्पिटल्स की सिचुएशन और उन सब के ऊपर एक पूरी क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग ले रहे थे, और इसी मीटिंग के दौरान जो है वो म्यूनसिपैलिटी की बिल्डिंग पर इसराइल ने अटैक कर दिया। बल्कि वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्ट्री, उन्होंने बताया कि इसके अलावा उन्होंने सिर्फ म्यूनसिपैलिटी की बिल्डिंग पर अटैक नहीं किया है, बल्कि म्यूनसिपैलिटी के बिल्डिंग के पास में एक हेल्थ सेंटर भी था, वहाँ पर एक मेडिकल सेंटर फैसिलिटी थी, वहाँ पर उस पर भी अटैक कर दिया, वहाँ पर भी आग फैल गई, और कम से कम बताया जा रहा है कि 8 से 10 लोग वहाँ पर भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और ये सिर्फ घायल नहीं है ये लोग, ये डेथ टोल लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी जो नंबर 5 का आया है वो प्रिलिमिनरी नंबर है, और ये नंबर लगातार बढ़ते चला जा रहा है, तो जैसे जैसे डेब्री हटेगा ये नंबर और ज़्यादा बढ़ेगा। अब इस तरीके की घटना बहुत सारी है इसराइल के ऊपर, काफ़ी इल्ज़ाम ऑलरेडी लग चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि यूएन के दो ऑफिशियल्स की डेथ हो गई, यूएनआईएफआईएल के दो ऑफिशियल्स की डेथ हो गई, और उसके बाद आपने यूएन और इसराइल, इसराइल वर्सेज यूएन, बिल्कुल एकदम हीटेड स्पैट देखा होगा, जहाँ पर यूएन क्रिटिसाइज कर रहा है इसराइल को कि यू आर डूइंग अ मसाकर इन लेबनान, और ये चीज़ बिल्कुल भी इस चीज़ को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और यूएस के ऊपर भी प्रेशर बनाया कि आप इसराइल के ऊपर प्रेशर बनाओ कि वो यूएन के ऑफिशियल्स को ना मारे। और फिर यूएस ने अच्छा खासा प्रेशर इसराइल पर बनाया भी, उन्होंने कहा भी कि हथियार की सप्लाई रोक देंगे बिल्कुल पूरी तरीके से अगर ऐसी कोई भी घटना हुई तो, बाद में जाकर के यूएन के ऑफिशियल्स को टारगेट करना बंद किया इसराइल ने। उसके अलावा लेबनान की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनका कहना है कि अभी इसी दौरान कुछ 3-4 दिन पहले, मतलब सैटरडे की घटना है, जहां पर एक मार्केट प्लेस के ऊपर अटैक कर दिया गया, वो मार्केट प्लेस में पूरी भीड़ भाड़ थी, वहां पर अचानक से एयर स्ट्राइक कर दिया गया और उसमें कम से कम 8-10 लोग घायल हो गए गंभीर रूप से, कई लोगों की इसमें जान भी चली गई।
टोटल अभी तक अगर डेथ टोल देखोगे आप ऑलमोस्ट 1400 लोगों का की जान जो है लबनान में जा चुकी है। सितंबर 23 से इसराइल ने वहां पर लगातार एयर स्ट्राइक करना शुरू करी है और अभी तक 1400 लोग उसमें मारे गए हैं। और इसीलिए लबनान की गवर्नमेंट जो है यहां पर रिक्वेस्ट कर रही है हाथ जोड़ करके सारी इंटरनेशनल कम्युनिटीज से कि इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और इसराइल को रोकने की कोशिश की जाए, अदरवाइज यहाँ पर ये डेथ टोल और ज़्यादा बढ़ सकता है। और बता रहे थे वो आइडिया ये है, इतने लोग अस्पताल में एडमिट हैं कि उनकी हेल्थ फैसिलिटी पूरी चरमरा चुकी है। लबनान की कंडीशन वैसे ही ख़राब है और इतने लोग अस्पताल में एडमिट करना, उनका इलाज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो तो यूएन का थोड़ा बहुत सपोर्ट है तो वो खींच रहे हैं गाड़ी, तो ये डेथ टोल 4000-5000 पहुँच सकता है और एकदम लबनान का देश पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सरकार को मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को लबनान की इसमें मदद करनी चाहिए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले जो मैंने आपको तामझाम दिखाया था वीडियो के स्टार्टिंग में, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसको हम यहां पर कवर करेंगे, और उसके अलावा जो आप यहां पर ये डायग्राम देख रहे हो, ये किताबें देख रहे हो, तो इंडियन पॉलिटी वहां पर मेरे द्वारा कवर की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आपने देखी होंगी, डीडी बासु, एम लक्ष्मीकांत, एमपी जैन, जिन भी इंडियन पॉलिटी की स्टैंडर्ड बुक्स का आपने नाम सुना होगा, वो सबका एक कवर्ड पूरा कंप्लीट फॉर्म में आपके प्रिलिम्स इवन मेंस के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम का बच्चा जो है वो सिर्फ यूपीएससी सीएससी के लिए नहीं बल्कि हर एग्जाम का बच्चा वो इंडियन पॉलिटी को पढ़ सकता है। इवन आपको एग्जाम नहीं भी दे रहे हो तब भी आप उसको पढ़ सकते हो अगर आपको पूरी ऑलराउंड नॉलेज, इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको ऑलराउंड नॉलेज चाहिए तो वो चाहिए। इस तरीके के डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, माइक्रो डायग्राम्स आपको बने बनाए वहां पर मेरे द्वारा दिए जाएंगे, जिसको आप सीधे अपने अगर मेंस आप पेपर लिख रहे हो तो उसमें आप डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके की क्वालिटी का कंटेंट जो है आपको उस चैनल पर मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको, उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। इस चैनल की जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उस पर जाकर के क्लिक करके उसको आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।